हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे, अगर हम अपने किसी इमेज से कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हों तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं इस पर्सन को रिमूव कर दूँ, तो इसके लिए हम यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट करेंगे और इसकी एक रफ सिलेक्शन बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से। सिलेक्शन बना लेने के बाद आप यहां से जाएंगे एडिट में और यहां से यूज करेंगे फिल। यहां कंटेंट अवेयर होना चाहिए, कलर अडाप्टेशन जो है वो चेक होना चाहिए, ब्लेंडिंग मोड में नॉर्मल और ओपेसिटी इसकी 100% होना चाहिए और हम यहां से ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से उसने इसको रिमूव कर दिया है। इसी तरह हमारे पास एक और ये इमेज है। मैं चाहता हूँ ये जो दो लेडीज़ हैं इन दोनों को हम यहाँ से रिमूव करें इस इमेज से, तो इसके लिए हम इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे। हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से W प्रेस करने के बाद भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ से, ये देखें। थोड़ा जूम कर लें अगर आप, तो ज़रा आसानी से हो जाएगी सिलेक्शन आपकी, ये देखें। अगर ये आपकी सिलेक्शन थोड़ी आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल प्लस का निशान है, तो ऑल्ट प्रेस करने से ये माइनस का, ये सब्ट्रैक्ट करेगा सिलेक्शन को, जैसे कि ये देखें। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा एरिया है सिलेक्शन जहाँ नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर भी अगर एक्स्ट्रा हो गए तो मैं यहाँ भी ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा सिलेक्शन कम कर देंगे इस तरह से। इस तरह सिलेक्शन कर लेने के बाद आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में मॉडिफाई और यहां से यूज करेंगे एक्सपैंड। यहां आप तकरीबन 4 से 5 पिक्सल्स देंगे और इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं एक्सपैंड करने से उसने सिलेक्शन थोड़ी एक्सपैंड कर दी है, थोड़ी बाहर की तरफ एक्सपैंड हो गई है। अब हम यहां से जाएंगे एडिट में और यहां से यूज करेंगे कंटेंट अवेयर फिल। यहां आने के बाद आप देख सकते हैं यहां वो रिजल्ट दिखा रहा है आपको। अगर आपको ये रिजल्ट ठीक लगता है तो आप यहां से ओके कीजिए। अब हम रियल इमेज पे आने के बाद कंट्रोल डी करेंगे और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शेडोज उसके बाकी रह गए हैं। इसके लिए हम पैच टूल यूज़ करेंगे। यहाँ से आप पैच टूल सेलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से जे प्रेस करके भी आप पैच टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। पैच टूल के लिए यहाँ पैच में कंटेंट अवेयर होना चाहिए और ये सैम्पल ऑल एयर सेलेक्ट होना चाहिए। अब आप पैच टूल से इसकी सिलेक्शन बनाएं और इसको ड्रैग करते हुए राइट की तरफ ले जा लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह अगर ये शेडो आ रहा है तो इसको भी आप इस तरह करके पैच टूल से रिमूव कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह से हम अपने किसी भी इमेज से कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को रिमूव कर सकते हैं। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।